الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بیت المقدس ये मुसलमानों का तीसरा हरम है। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने तीन हरम अता फरमाए हैं और तीनों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी पूरी उम्मत के ऊपर है। किसी एक ख़ास मुल्क, ख़ास इलाक़े या ख़ास खित्ते या ख़ास ग्रोह या ख़ास फ़र्द के ऊपर नहीं, तीनों की हिफाजत पूरी उम्मत के लिए ज़िम्मेदारी, पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है। बैतुल्लाह शरीफ, सबसे पहले ये मस्जिद क़ायम की गई और बैतुल्लाह शरीफ के बाद बैतुल मुक़द्दस क़ायम हुआ और दोनों की तामीर में 40 साल का फ़र्क है। आज लोगों में बात मशहूर है कि बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर नौ की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उनसे बहुत पहले बन चुकी थी। ये मस्जिद उनसे पहले की है, ये क़िबला उनसे पहले का है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि बैतुल्लाह शरीफ और बैतुल मुक़द्दस दोनों की तामीर में, मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद अक्सा दोनों की तामीर में 40 साल का फ़र्क है। तो सबसे पहला हरम बैतुल्लाह शरीफ और दूसरा बैतुल मुक़द्दस, और तामीर का फ़र्क 40 साल। बैतुल्लाह शरीफ सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, उनके बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं की बुनियादों के ऊपर तामीर नौ की। फिर उनकी नस्लों में आगे जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और फिर आगे जाके हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। इसलिए जो बात मशहूर है ना कि बैतुल मुक़द्दस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, तो वो इस दर्जे में है कि उसकी तामीर नौ की, दोबारा बनाया, वरना पहले से मौजूद था। अगली बात, तीसरा हरम रोज़ा अक़दस, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस, मदीना तैयबा, मस्जिद नबी शरीफ, ये तीन हरम हैं उम्मत को अल्लाह ने अता फ़रमाए हैं और तीनों की ज़िम्मेदारी हिफाजत की हमारी ही बनती है, हर एक उम्मती की बनती है। 100 साल से ज़्यादा हो गए कि बैतुल मुक़द्दस के बारे में गैरों की साजिशें फलती फूलती रहीं और 14 मई 1948 को इसराइल का वजूद हुआ और उसके बाद 1967 में बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्ज़ा हो गया और आज वो इस पोजीशन पर हैं कि किसी वक्त भी, अल्लाह ना करे ये ख़बर आए, लेकिन वो मस्जिद अक्सा या कुब्बतुस्सख़रा इनको गिरा दें। वो गिरा के यहाँ पे थर्ड टेंपल की तामीर करना चाहते हैं, तीसरा माबद सुलेमानी वो बनाना चाहते हैं अपनी इबादत के लिए, ये उनका एक टारगेट है। आज का जो बयान है उनमें से अक्सर बातें, वो तो एक किताब है अक्सा के आंसू, काश आज के मुसलमान इतना ही कर लें कि इस किताब को बाज़ार से ख़रीद कर पढ़ लें। किताब का नाम है अक्सा के आंसू, मुफ्ती अबू लुबाबा साहब की। काश हम इतना ही कर लें, किताब थोड़ी बड़ी है, चंद घंटे ज़रूर लगेंगे, लेकिन हमें मालूम तो हो जाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, हमें करना क्या चाहिए। सिर्फ इस किताब की तफसीलात पे अगर बात की जाए तो 5-7 घंटे तो लग जाएंगे, इतनी तफसीलात हैं इसमें, तो हमें कम से कम पढ़ तो लेनी चाहिए। अब वक्त लगता है बहुत करीब आ गया, दुनिया से तो सब ने जाना है, मज़ा तब है ईमान के साथ जाएं, वरना निफाक या ईमान किसी एक पे ख़ात्मा तो बहुत अब करीब है।
लेकिन हमें वीडियो गेम से, पबजी से, नामहरमों से बातें करने से और इस तरह के मज़ों से फुर्सत मिले तो ही फिर हम इस किताब को पढ़ सकेंगे, वरना हमारे पास कहाँ टाइम है। हम तो सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्ची खबर दी हुई है कि इमाम मेहदी आएंगे और मुसलमानों को इज़्ज़त मिलेगी और यहूदी ख़त्म हो जाएंगे, ईसाई मुसलमान हो जाएंगे। तो शायद हम ये समझ बैठे हैं कि वो आएंगे, हम उनके हाथ पांव चूमेंगे, उनकी कदम बोसी करेंगे और सारा काम खुद ही हो जाएगा। वो जो होना है वो होके रहना है, उन्होंने कब आना है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और उन्हें आके रहना है, और ये सब कुछ होना है जो हुजूर ने बताया। हम कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, मसला हमारा है। हम कहाँ होंगे, हमारी ज़िंदगी का किरदार क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है। बहुत पुरानी बात है, एक किताब में मैंने पढ़ा कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो बहुत सारे मुसलमान उनकी मुखालफत करेंगे। मैं हैरान था, या अल्लाह ये क्या लिख दिया इन्होंने, कोई मुसलमान भी इमाम मेहदी की मुखालफत कर सकता है, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन आज जगह जगह बयानात होते हैं, लोगों से रबते में हों, लोग अपने मसाइल बताते हैं, हालात की ख़बर लेते रहने से मुझे यकीन हो चुका है कि जी हाँ, जब इमाम मेहदी कहेंगे कि मैं इमाम मेहदी हूँ तो बहुत से मुसलमान उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, मुसलमानों से लड़ने के लिए, इमाम मेहदी से लड़ने के लिए। ये कौन से मुसलमान होंगे, ये वो रोशन ख़्याल मुसलमान होंगे जो उलमा से दूर होंगे, जो मदारिस से दूर होंगे। ये सारे के सारे इल्ला माशाअल्लाह ये इमाम मेहदी का इनकार कर देंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है कि ज़हन बदल दिया गया, सोच और दिमाग ही बदल दी गई। ये यहूदियों की मेहनत बैतुल मुकद्दस को गिराने की, मस्जिद अक्सा को गिराने की, ये आज किसी की मेहनत नहीं है। इस किताब को अगर हम पढ़ लें, अक्सा के आंसू, मुफ्ती अबू लुबाबा साहब की अक्सा के आंसू, अगर हम 200-300 रुपये खर्च करके किताब ख़रीद लें और पढ़ लें तो बहुत कुछ हमें अंदाज़ा होगा। लेकिन वो तब पढ़ेंगे ना जब मोबाइल फ़ोन पे हमें को फुर्सत मिलेगी इससे। आजकल के यहूदी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमान अल-क़ुदस से दस्तबरदार हो जाएं और यरूशलम से बाहर एक अबू देस नामी गांव है, उसको वो अपना मुक़द्दस जगह बना लें, वहाँ चले जाएं, लड़ाई ख़त्म करें। मुसलमान इसके लिए न तैयार थे न होंगे, और उन्होंने हालात ऐसे कर दिए हैं, एक तवील ज़माना गुज़र चुका है कि ईमान वाले जो फ़लस्तीन से बाहर दुनिया में कहीं रहते हैं वो बैतुल मुक़द्दस में आज़ादी के साथ आना जाना नहीं रख सकते। वरना जिस तरह बैतुल शरीफ और मदीना तैयबा आना जाना मुसलमानों के लिए सारी दुनिया से आसान था, उसी तरीके से बैतुल मुक़द्दस भी लोग आते जाते रहते थे। वहाँ 2 रकात नफिल पढ़ना, वहाँ दुआएं मांगना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआएं की हैं वहाँ के लिए, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआएं की हैं वहाँ के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात का वक्त आया, उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब ही कहीं दफन होने का जगह मिले। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात बताई तो फरमाया कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें दिखाता कि कहाँ उनकी कब्र है। ये तमाम अंबिया का क़िबला रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सजदे किए, नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज़ पढ़ाई है तमाम अंबिया को। और ये वो जगह है मदीना तैयबा जाने के बाद करीब तकरीबन 16-17 महीने नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके मदीना में नमाज़ पढ़ाई। तो आज मुकम्मल तौर से बाहर के मुसलमानों के लिए सील हो चुका, और अंदर के मुसलमान, उनके पास गुलेल है या पत्थर, वो उनका कुछ कर नहीं सकते। मस्जिद अक्सा की एक दीवार को उन्होंने अपनी इबादत के लिए मखसूस कर लिया है, उसको वो दीवार गिरिया कहते हैं, असल में दीवार बुर्राक है, आगे इसकी तफसील इंशाअल्लाह आएगी। और हरम कुदसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए मुस्तकिल वो तैयारी की तरफ हैं। इस आलम में मस्जिद अक्सा पुकारती है, ए अहले इस्लाम, तुम्हारी गैरत को क्या हुआ, क्या तुम सिर्फ़ सजदे करने पर बख्श दिए जाओगे,
क्या शायर इस्लाम के तहफ़ के बग़ैर तुम्हारी इज़्ज़त बाकी रह जाएगी, क्या मस्जिद अक्सा गिर जाने के बाद अगर खुदा न खास्ता ये गिरा दी जाए तो क्या इसके गिर जाने के बाद तुम्हारी दुनिया की दूसरी मसाजिद महफूज रह सकती हैं। तो हमें हर एक को देखना है कि भाई उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारी है और वो क्या क्या कर सकता है। हुक्मरानों की ज़िम्मेदारियाँ उनकी हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ आवाम की हमारी अपनी हैं। एक होती है बेबसी और एक होती है बेहसी। जो आदमी बेबस हो ना और बेहस ना हो, क़यामत के दिन इसके साथ कोई ना कोई खैर का मामला इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन जो बेहस आदमी होगा इसका मामला कुछ और है। तो हम बेबस हैं कि बेहस, इसका फ़ैसला हमें करना है। हमने अपना नाम बेबसों में लिखवाना है या बेहसों में लिखवाना है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते चाहने के बावजूद, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं क्या हम वो कर रहे हैं? अगर हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं तो फिर यकीनन हम बेहस नहीं, बेबस हैं। और अगर हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे तो फिर हम बेहस हैं। बेहस और बेबस का क़यामत के दिन अलग अलग मामला होगा, हमें कहाँ खड़ा होना है इसका फ़ैसला हमें करना है। एक ज़माना था जब मुसलमान हुक्मरानों के अंदर गैरत ईमानी मौजूद थी। एक वाक़या है, एक क़िले के अंदर एक ईसाई ने एक मुसलमान औरत के ज़ोरदार थप्पड़ मारा, वो चीखी, उसके चीखने पे और हंसा और तकलीफ़ देने लगा। उसने वहाँ से अपने वक्त के खलीफा मुअतसिम बिल्लाह को आवाज़ दी, मुअतसिम तुम कहाँ हो? इसने और मजाक उड़ाया, क्या एक औरत के लिए तुम्हारा खलीफा तुम्हारी मदद को आएगा? खैर, वाक़यात में लिखा है कि किसी तरीके से मुअतसिम बिल्लाह को ये आवाज़ पहुँच गई कि आमूरिया के क़िले में ईसाइयों के यहाँ एक औरत जो है वो क़ैद में है और उसने तुम्हें पुकारा है। वो कोई अपने बड़ों की तरह कोई बहुत ज़्यादा बाकमाल खलीफा नहीं था, लेकिन बहरहाल गैरत थी। उस गैरत ईमानी ने उसको झंझोड़ा और उसके बाद फिर उसने फौरी तौर पर ये तैयारी की कि भाई वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, और जंगी तैयारियाँ शुरू करके वहाँ पहुँचा। और पूरी फ़ौज के अंदर ऐसा गज़ब था कि पूरे किले की ईंट से ईंट बजा दी। और फिर वो शख्स जिसने उस औरत को थप्पड़ मारे थे वो जब गिरफ़्तार करके सामने लाया गया तो उसको यकीन आ गया कि मुसलमान हुक्मरानों में गैरत अभी बाकी है। ये वो चीज़ थी जो कभी मुसलमान हुक्मरानों को मिली हुई थी, लेकिन बेहयाई, बेदीनी और दीनदार लोगों से दूरी, उलमा से दूरी, आज ये चीज़ हमारे अंदर से हुक्मरानों में से ख़त्म हो चुकी। लेकिन ये चीज़ आज काफिर में बाकी है कि उनका कोई बंदा कहीं पे कुछ हो जाए तो वो उसके लिए फिर पूरी दुनिया हिला के रख देते हैं। मुसलमानों की ये जो चीज़ थी ये आज काफिरों ने ले ली। ये तो बात है हुक्मरानों की। अब ना मैं हाकिम हूँ ना हुक्मरान यहाँ मौजूद हैं, तो हम तो बात अपनी करेंगे। अब क्या बहैसियत ये आवाम, बहैसियत आवाम हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है या हम वैसे ही बख्श दिए जाएंगे? वहाँ कुछ होता रहे, कुछ भी होता रहे, हमसे कोई पूछ नहीं होगी। हमें तो बस इस टॉपिक पे आना है। गुज़िश्ता 30-40 साल पहले तक भी या 20 साल पहले तक भी किसी मुसलमान इलाक़े के ऊपर कोई हमला होता तो आवाम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती थीं। आवाम के अंदर एक गम, एक गुस्सा, एक एहतजाज की कैफियत होती थी और आवाम अपनी खुशी की तकरीबात को मौकूफ़ कर देती थी कि फ़लाँ मुल्क के ऊपर हमला हुआ, फ़लाँ जगह के मुसलमान इस वक्त परेशान हैं, वो अपनी खुशी की तकरीबात मौकूफ़ कर दिया करते थे। आज हमें तो किसी बात से कोई परवाह ही नहीं होती कि मीडिया की वजह से और गैर मुस्लिमों की नकाली करने की वजह से मोबाइल के बे इंतहा बेहयाई वाले और ग़लत इस्तेमाल की वजह से, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से
हमारे अंदर इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि मुसलमान क्या, मुसलमान एक क्या, इलाके क्या, कुछ भी हो जाए हमें परवाह नहीं होती। हमारे मौज मज़े उसी तरह रहने चाहिए, मस्तियाँ उसी तरह रहनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है जो पहले 20-30 साल पहले उम्मत में नहीं था। अब हमें किसी जगह कोई हादसा हो जाए उसका गम महसूस नहीं होता, हम नमाज की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अब ये कोविड की वजह से कितनी दुनिया परेशान है, रोज़गार के कितने मसाइल हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोग नमाज की तरफ मुतवज्जे नहीं, तौबा की तरफ मुतवज्जे नहीं, बेहयाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये बेहिसी की बातें हैं, ये बेबसी की बातें नहीं हैं। हमारा किरदार बेबसी वाला नहीं है, बेहिसी वाला है। तो बेबस का तो क़यामत के दिन मामला बेहतर होगा इंशाअल्लाह, बेहिस का मामला बहुत ख़तरे में है। तो हम तो बेबसी का रोना रो रहे हैं लेकिन बेहिसी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। अल-क़ुदस तारीख़ के आईने में 3000 साल कबल मसीह कनानियों ने और यबूसियों ने इसको आबाद किया। 1850 कबल मसीह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ आए और यहाँ के बाशिंदों से मुलाकात की। 970 ईस्वी के करीब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत यहाँ थी और उससे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको फ़तह किया था। और 587 कबल मसीह में बख्त नसर के हाथों ये तबाह किया गया और यहाँ के यहूदी कैदी बना लिए गए। 1,00,000 यहूदियों को लेके वो बाबुल गया। और उसके बाद 15 हिजरी में मुसलमानों ने ईसाइयों से ये इलाके आज़ाद करवाने शुरू किए करीब के। और 17 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में 3000 या 4000 मुसलमानों का लश्कर था, इसको फ़तह कर लिया गया। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ नमाज़ भी पढ़ी और ईसाइयों से कुछ माहदे भी हुए। फिर मुसलमानों के पास ये इलाका रहा। 1099 ईस्वी में 493 हिजरी में सलीबियों ने यहाँ कब्ज़ा कर लिया, ईसाइयों ने दोबारा यहाँ कब्ज़ा कर लिया और 80 साल ये उनके पास रहा। फिर 1187 हिजरी में मुआरका हतीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको दोबारा मुसलमानों के लिए वापस आज़ाद करवा लिया। और उसके बाद तातारियों ने कब्ज़ा किया और 1260 में मुआरका ऐन जालूत हुआ जिसमें अल-क़ुदस को तातारियों से आज़ाद कराया गया। 934 हिजरी 1516 ईस्वी खिलाफत उस्मानिया ने इसको अपने अंदर शामिल कर लिया। और जंग अज़ीम अव्वल 1917 के बाद, जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई और ये अल-क़ुदस अंग्रेज़ के कब्ज़े में चला गया। और 1917 में बालफोर मुआहदा हुआ, बालफोर डिक्लेरेशन, जिसमें यहूदियों ने अंग्रेज़ों से इसको हासिल करने का वादा ले लिया कि यहाँ सल्तनत बनाई जाएगी। और 1368-1948 में फ़लस्तीन के 78% इलाके के ऊपर 14 मई 1948 इसराइल की रियासत कायम कर दी गई। और 1967 में बाकी इलाकों को भी फ़लस्तीन के इसराइल ने कब्ज़े में ले लिया। जब किसी चीज़ के वारिस उसका मुतालबा करना छोड़ दें तो वो चीज़ छीन ली जाती है बेदर्दी के साथ। आज मस्जिद अक्सा के साथ यही मामला हो रहा है। ये मस्जिद अक्सा क्या है? ये अंबियाए कराम की जगह है, अंबियाए कराम की सरजमीन है, ये वो जगह है जहाँ कुरान के मुताबिक बरकतों का नुज़ूल होता है। बेशुमार आसमानी बरकात का यहाँ नुज़ूल होता है और ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। और एक रिवायत के मुताबिक यहाँ नमाज़ पढ़ने का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है। अल-क़ुदस यरूशलम का अरबी नाम है, इसको यरूशलम भी कहते हैं और अरबी में इसका नाम है अल-क़ुदस। और इस्लाम से कबल इसको ईलिया कहा जाता था, ईलिया तौरात में और पुरानी किताबों में ईलिया इसका नाम मिलता है। अल-क़ुदस दुनिया के मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक शहर है और बहुत अहमियत का हामिल है। यहूदियत, ईसाइत और इस्लाम तीनों के नज़दीक इसकी बहुत अहमियत है। तीनों के नज़दीक ये शहर इज़्ज़त वाला है और मुतबर्रिक है, बरकत वाला है। यहाँ की आबो हवा बहुत शानदार और यहाँ के फल बहुत लजीज हुआ करते हैं। और ये शहर आम शहर नहीं है, ये नया शहर नहीं है। इसकी तारीख जो इंसानी दुनिया को मालूम हुई वो तकरीबन 45 सदियाँ
4500 साल पुरानी हैं। तकरीबन 4500 साल पहले यानी कबल मसीह अगर चले जाएं तो 2500 और 3000 कबल मसीह के इलाके वक्त में यहाँ पर अरबों की एक शाख थी, कनानी और यबूसी। उन्होंने अपने किले आबाद किए और यहाँ उन्होंने अपनी बस्तियाँ आबाद की, किले तामीर किए। फिर 1049 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे फ़तह किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने यहाँ हुकूमत की और उनके दौर में इसको बहुत तरक्की मिली और उन्होंने उसकी तामीर नौ भी की। 586 कबल मसीह में ये फ़ारस वालों के पास चला गया जब बुख नसर ने यहाँ यलगार की, यहूदियों का खूब कत्ले आम किया और मस्जिद अक्सा और पूरे शहर की ईंट से ईंट बजा दी और सिवाय चटियल मैदान के वहाँ कुछ नहीं छोड़ा, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। और फ़ारस वालों के बाद सिकंदर के कब्ज़े में गया और उसके बाद रूम के लोग यहाँ काबिज़ हो गए और रूम का एक बादशाह था हीरोडोस, उसने 145 में इस शहर को दोबारा से ख़त्म करके तबाह बर्बाद कर दिया। 614 ईस्वी नबी अलैहिस्सलाम मक्का में हैं और अहले फ़ारस यहाँ दोबारा काबिज़ हो गए, ईसाइयों को उन्होंने निकाल दिया। जिन लोगों ने सूरह रूम की शान नुज़ूल को समझा हो, पढ़ा हो, नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में थे जब फ़ारस वालों ने इधर अल-क़ुदस पे, यरूशलम पे, इलिया पे कब्ज़ा किया तो अहले मक्का बहुत खुश हुए। खुश किस बात पर हुए कि ईसाई अहले किताब और नबी अलैहिस्सलाम भी कहते थे हमारे पास कुरान अल्लाह की किताब, तो एक जोड़ था। और ये कुफार मक्का मुशरिक और उधर अहले फ़ारस मुशरिक, जब उन मुशरिकी ने फ़ारस ने ईसाइयों को अहले किताब को शिकस्त दी, इधर मुशरिकी ने मक्का को बड़ी खुशी हुई और इन्होंने इस खुशी का इज़हार किया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद उतारा, अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम। अल्लाह ताला ने वादा कर लिया कि आने वाले चंद सालों में ये रूम दोबारा ईसाइयों के, ये जो अल-क़ुदस है दोबारा ईसाइयों के पास चला जाएगा, रूमी फतह हासिल कर लेंगे। रूम से मुराद मौजूदा यूरोप। कुरान मजीद की पेशींगोई अहले मक्का को सुना दी गई। अहले मक्का कहने लगे हो ही नहीं सकता, इस वक्त रूम वालों के पास न ताकत है न इख्तियार और फ़ारस वाले ज़्यादा पावर में, ये नहीं मुमकिन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उमय्या इब्ने खल्फ़ से शर्त लगा ली। उस ज़माने में शर्त लगाना हराम नहीं हुआ था। शर्त लगा ली कि इतने साल में ये होकर और होके रहेगा और 10 ऊँटों की शर्त लगाई और शर्त लगा के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, और मुझसे झगड़ता था बाजार में, मैंने भी शर्त लगा ली कि अल्लाह का काम जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, पूरी होके रहेगी, हमने आपके ज़ुबान मुबारक से सुनी है, ये पूरी होके रहेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई जाओ दो तब्दीलियाँ करवाओ, 10 की जगह 100 ऊँट करो, 10 की है ना 100 करो, और दूसरी बात जो तुमने वक्त का तायुन किया है तो कुरान मजीद में तो वक्त का तायुन नहीं है, बिज़ा सिनीन 9 साल भी मुराद हो सकते हैं, 7 भी मुराद हो सकते हैं, तो 9 साल की मुद्दत करके आओ। वो कम मुद्दत करके आए थे, 3 या 5 साल की कुछ मुद्दत कर आए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ 10 को 100 करवाओ और मुद्दत को 9 साल करवाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, उससे दोबारा कहा कि भाई शर्त तो बाकी है लेकिन कुछ थोड़ी सी तरमीम करनी है, मुसलमानों को फतह होगी लेकिन 9 साल के अंदर, ईसाइयों को फतह होगी लेकिन 9 साल के अंदर, ना हुई तो मैं 100 ऊँट दूंगा। खैर उसने शर्त के ऊपर तय कर लिया कि ठीक है ये तजदीद मुझे कबूल है। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जब हिजरत के लिए जाने लगे ना, तो पहले तो मुसलमान जा रहे थे, इसको अंदाज़ा हो गया कि कहीं ये भी ना निकल जाएं, तो वो आ गया, कहने लगा देखो मेरे 100 ऊँट, आप अगर मदीना चले गए मेरे 100 ऊँट का क्या बनेगा। क्योंकि उसके जहन में क्या था कि हो ही नहीं सकता कि रूमी दोबारा काबिज़ हो जाएं, दोबारा फतह हासिल हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पीछे एक बंदा अपना गारंटर तैयार किया, कहा देखो अगर मैं वहाँ चला भी गया और पीछे तो मेरी बात पूरी ना हुई जो अल्लाह की बात है, तो ये बंदा तुम्हें 100 ऊँट दे देगा। उसने कहा ठीक है अब जा सकते हैं। तो ये सारे मामलात भी हुए। तो सूरह रूम में जो ज़िक्र है वो इसी चीज़ का ज़िक्र है। तो बहरहाल
अल्लाह ताला की बात हमेशा पूरी होती है और वो भी पूरी हुई। और फिर हरकुल ने 627 में फारस वालों को गैर मुतवक्का शिकस्त देकर ये शहर फतह कर लिया। फिर ईसाइत का गलबा हो गया और कुरान मजीद की वो पेशिंगोई पूरी हो गई। उस कैफियत में पेशिंगोई पूरी हो गई कि हालात कोई नहीं थे। अभी कुछ पेशिंगोइयों का जिक्र और भी करना है इंशाल्लाह। फिर यह अल-क़ुदस इस्लाम के साए में आया। इस्लाम के साए में कैसे आया कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में ये फ़तह हुआ और अरसे दराज तक मुसलमानों के पास रहा और मुसलमानों की ये बहुत बड़ी इल्मी जगह बनी रही। इसके अंदर मदरसे बनाए गए, खानकाहें बनाई गईं, सबीलें बनाई गईं, कुएँ बनाए गए और बहुत सारी चीज़ें रिहाइश की बनाई गईं। मुख्तलिफ और मस्जिदें भी थीं जो यहाँ बनाई गईं और मुसलमानों ने यहाँ पर खूब दीन का काम किया। बिलखुसूस उमवी और अब्बासी खुलफा के दौर में यहाँ बहुत तरक्की मिली और 1099 ईस्वी 492 हिजरी में 80 साल के लिए मुसलमानों से ईसाइयों ने छीन लिया। और उस 80 साल में ईसाइयों ने जो जो मुसलमानों पर जुल्म किए, आज ईसाइत भी उस पर शर्मिंदा होगी अगर इंसाफ की आंख से उसे कोई देखे तो। हज़रत उमर के उस सलूक को भूल गई जब मुसलमानों ने उनके साथ सलूक किया। कसीर तादाद में मुसलमानों को, एक रिवायत के मुताबिक 75,000 मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में ला के ज़िबह किया गया। ये मस्जिद अक्सा बहुत अरसे से कुर्बानियों में आती रही है। अगर इसको गौर किया जाए ना इसकी कई हज़ार साल तारीख को, तो अजीब मकाम है ये कि कई मरतबा इसको ख़त्म किया गया, बनाया गया, कभी किसी ने ख़त्म किया, कभी किसी ने बनाया, फिर किसी ने ख़त्म किया, फिर किसी ने बनाया। ये रोज़ अव्वल से ही इस तरह के हालात का शिकार ही जगह रही है। ये अजीब अल्लाह ताला की मशीयत है, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं। तो मुसलमानों की कसीर तादाद को ईसाइयों ने ज़िबह किया और मस्जिद में घोड़ों का सबल बना दिया गया। 80 साल तक ये जगह ईसाइयों के पास रही। उसके बाद फर्जंद इस्लाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 1187 में इसे सलीबी जंगों के बाद दोबारा हासिल किया और मस्जिद अक्सा की दोबारा तामीर की, इसकी जो रेनोवेशन थी वो की और यहाँ दोबारा से मदारिस, मकातिब, खानकाहों का क़याम अमल में लाया गया। तब से मुसलमानों के पास था, लेकिन अंग्रेज़ों ने 2 फरवरी 1924 को फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। और जो बरतानिया का पहला कमिश्नर यहाँ आया, जैसे यहाँ जो आते थे हिंदुस्तान में वायसराय उन्हें कहते थे, तो वहाँ जो कमिश्नर गया वो यहूदी था। उसने फिर आगे यहूदियों के लिए मामलात को आसान किया और बरतानिया ही की सरपरस्ती में 14 मई 1948 को इसराइल की सल्तनत के क़याम का ऐलान कर दिया गया और 7 जून 1967 बैतुलमक़दस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। और उस वक्त से आज तक यहूदियों की आबादकारी वहाँ जारी है। आम तौर पर जो अवाम में मशहूर है ना कि इसकी पहली तामीर है तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने की या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, ऐसा नहीं है। उन्होंने तामीर 9 की। अल-क़ुदस पे ऐसा वक्त भी गुजरा है कि बहुत अरसा यहाँ कोई चीज़ भी नहीं थी सिवाय मलबे के। इस्लाम का आफ्ताब जब तुलू हुआ तो रजब 2 हिजरी में 16 या 17 महीने तक नबी अलैहिस्सलाम इधर रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। ये मुसलमानों का क़िबला है और ये सालिस हरम है, हमारा तीसरा हरम है। इसमें कई इमारतें हैं। वाज़ह रहे कि मस्जिद अक्सा का मिसदाक वो सारा हरम कुदसी है जिसके गिर्द एक फसील कायम है। आज भी पूरी दुनिया के जितने भी शहर हैं ये वाहिद शहर ऐसा है कि कदीम फसील पूरे शहर के गिर्द कायम है और कहीं कायम नहीं रही, ख़त्म हो गई। तुर्की में भी थी, कुस्तुनतुनिया में और दुनिया के इलाकों में थी, लेकिन ये आज भी कायम है। अच्छा, एक हमारे यहाँ ना बड़ी बहस चलती है, बहुत सनसनीखेज इंकशाफात हम लोग करते हैं बाज़ मरतबा, बहुत रिसर्च करके ना, तहक़ीकी मिजाज जो हमें अल्लाह ने दिया है, अमली मिजाज भी मिल जाए काश, अमल पे भी आ जाएं। वो तस्वीरें आती हैं, कई लोग पूछते हैं बार बार कि जी मस्जिद अक्सा से मुराद क्या है। वो कहते हैं जी हमें धोखा दिया जा रहा है, ये जो गुंबद है ना सुनहरी गुंबद, कुब्बतुस सखरा,
लोग इसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, मस्जिद अक्सा असल वो है। अब सवाल ये है कि मस्जिद अक्सा असल है या कुब्बतु सखरा असल है, क्या ज़्यादा अहम है और क्या कम अहम है? ये सवाल ही बेकार है, दोनों ही अहम हैं। ये सवाल ही बेकार है कि इसको अहमियत देनी है और उसको नहीं देनी, या इसको कम देनी है या उसको ज़्यादा देनी है। उस जगह जो मस्जिद अक्सा के नाम जगह कर दी गई, उसका एक एक ज़र्रा अहम है। वो मस्जिद अपनी जगह अहम है और ये कुब्बतु सखरा अपनी जगह अहम है, और उसके दरमियान में जितनी चीज़ें खानकाहें मदारिस हैं, उसके दरमियान सबीलें हैं, कुएँ हैं, और एक मस्जिद जो इन्होंने गिरा दी, मस्जिद बुर्राक उसका नाम था, हर चीज़ वहाँ की अहम है। जैसे कोई बादशाही मस्जिद के बारे में ये कहे कि जी जहाँ तीन बड़े गुंबद हैं ना, और वो छत है और वो जो बड़े बड़े दरवाज़े बने हुए हैं, वो तो ज़्यादा अहम हैं, और जो उधर सामने जहाँ से दाखिल होते हैं उधर जो चीज़ें बनी हुई हैं वो असल नहीं है। भाई बादशाही मस्जिद से मुराद पूरी बादशाही मस्जिद है, तो इसलिए इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि ये अफजल ज़्यादा है और वो अफजल ज़्यादा है। पूरे का पूरा अहम है, वो पूरे का पूरा गिना के वहाँ अपना सोलोमन टेम्पल बनाना चाहते हैं, वो दोनों ही गिराना चाहते हैं। रह गई मस्जिद अक्सा की अहमियत, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब इसको फ़तह किया तो वहाँ पूछा भी किधर नमाज़ पढ़ी जाए, तो एक मशवरा मिला कि कुब्बतु सखरा के पर नमाज़ पढ़ें ताकि पूरा ये अक्सा आपके सामने रहे। उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ूँगा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्राक बांधा गया था। फिर आपने वहाँ नमाज़ पढ़ी, और वहाँ एक जामे उमर, मस्जिद उमर भी बनाई गई। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मस्जिद बनाने का वहाँ हुक्म दिया था, वो मस्जिद खजूर के तनों और पत्तों से तामीर की गई थी। ये जो मौजूदा इमारत है ना, ये तो खलीफा वलीद इब्ने अब्दुल मलिक के ज़माने में मुकम्मल हुई। वलीद इब्ने अब्दुल मलिक के वालिद जो खलीफा थे अब्दुल मलिक बिन मरवान, उन्होंने इसकी तामीर को शुरू किया। वलीद इब्ने अब्दुल मलिक की दौर में ये तामीर पूरी हुई। तो मस्जिद अक्सा का जो इतलाक़ है ये पूरे इलाके पर होता है, ये सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर नहीं होता कि भाई ये वाला हिस्सा है और वो वाला हिस्सा नहीं है। पूरे का पूरा हिस्सा हमारे लिए मुहतरम है और हरम मुहतरम है। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात में हमें नहीं जाना चाहिए, ये गैर अहम बात है, आना ये चाहिए कि हमारी ज़िम्मे क्या है। अच्छा जी, वहाँ एक दीवार है, दीवार गिरिया अगर मैं किसी से पूछूं तो सब बता देंगे दीवार गिरिया क्या है, लेकिन दीवार बुर्राक पूछा जाए तो शायद कम लोग बता पाएं। दीवार बुर्राक वहाँ एक दीवार है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक को बांधा था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। और दीवार गिरिया और दीवार बुर्राक एक ही चीज़ है। ये तो बाद में इन लोगों ने धोखा दिया और दीवार बुर्राक को दीवार गिरिया करार देकर अपने लिए इबादत का और रोने धोने का एक सिलसिला बना दिया, और वहाँ जो मस्जिद थी मस्जिद बुर्राक उसको शहीद कर दिया गया, और उसके साथ कुछ वक्फ की जायदादें थीं, खानकाहें थीं, वो सारी की सारे शहीद कर दी गईं। हालाँकि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये अंग्रेज़ अब ये इसराइल नहीं बना था और अंग्रेज़ वहाँ कमीशन एक बना 1929 में, जब उन लोगों ने यहाँ पे कुछ इबादत की बात शुरू की तो 1930 में एक कमीशन ने फैसला दिया, और इस बात को ऑन द रिकॉर्ड मौजूद आज भी है कि ये दीवार मुसलमानों की है उनकी नहीं। लेकिन बहरहाल किताबी बातें हैं। ये सुनहरा गुंबद क्या है जी? ये सुनहरा गुंबद जो है ये तो उमवी खलीफा ने बनाया है, ये पुराना नहीं चला आ रहा, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाया। ये आज जो मौजूद जितनी भी जगह है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की, इसमें कोई जगह बाकी नहीं है। वो तो कई दफ़ा ख़त्म हो के ये जगह कई दफ़ा बनी है, मुख्तलिफ बादशाहों ने उसको चटियल मैदान बनाया, फिर आने वालों ने तामीरात की। ये कुब्बतु सखरा क्या है? आपने एक पत्थर का नाम सुना भी होगा और देखा भी होगा इंशाअल्लाह, हजर अस्वद, ये भी जन्नत से आया था, और ये कुब्बतु सखरा ये भी जन्नत से आई हुई है। ये चट्टान है, ये इंसान के सीने के करीब ऊंचाई तक है। इस चट्टान के नीचे एक गार भी है कुदरती, और ये नीम दायरे की शक्ल में एक चट्टान है, और ये बड़ी मुकद्दस चट्टान है।
यही तकद्दस इसका कम नहीं है कि जन्नत से आई। फिर दूसरा तकद्दस ये क़िबला अव्वल है। तमाम अम्बिया ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। अब जो लोग ये कहते हैं जी मस्जिद अक्सा अफजल है और ये अफजल कम है, वो पता नहीं क्यों कह देते हैं। हमारे लिए वहाँ का एक एक ज़र्रा अफजल है। फिर बाज़ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि पुराने ज़माने में, पुरानी उम्मतों में क़ुरबानियाँ इसके ऊपर की जाती थीं, या बाज़ जगह ये ऊँची जगह थी, चीज़ें रख दी जाती, जिनकी कबूल हो जाती वो उठा ली जाती। तो बहरहाल इसके बाज़ फ़ज़ाइल मौजूद हैं, बाज़ फ़ज़ाइल ऐसे भी हैं जो मुस्तनद नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जन्नत से आना और क़िबला अव्वल होना, ये दो बातें ही बहुत काफ़ी हैं। बाकी मज़ीद फ़ज़ाइल में अगर किसी को कोई अश्काल भी हो तो यही दो फ़ज़ाइल बहुत भारी हैं बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। तो एक अजीम जगह है, एक चट्टान है और उसके अंदर नीचे उतरने का रास्ता है, नीचे गार है, उस गार में तकरीबन 70 आदमी आ सकते हैं। वहाँ जगह बनी हुई है, कुछ कारपेट बिछे हुए हैं, तो मुसलमान वहाँ जाके इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, एक पाकीज़ा माहौल है। जहाँ तक तामीरात की बात है ना, तो ये इमारत 8 पहलुओं वाली इमारत है और इसका हर पहलू 66 फुट तवील है। इसकी तामीर का आगाज़ 685 ईस्वी में शुरू हुआ और 691 में, 6-7 साल में जगह पूरी हुई। और बनू उमय्या ने इसकी तामीर के ऊपर बहुत बड़ी रकम खर्च की। मुल्क मिस्र से जितनी आमदनी आती थी, 7 साल की आमदनी यहीं खर्च होती रही। इस गुंबद की तामीर में दो बड़े बड़े ताबईन हजरात का नाम भी आता है। एक तो बहुत मशहूर है, रजा इब्न हयात, आलिम दीन है, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के हम नशीन साथी हैं, और दूसरे थे यजीद इब्न सलाम। इन दोनों ने बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, बड़े शौक़ और लगन के साथ इसकी तामीर में हिस्सा लिया। और एक बहुत अजीम तामीर थी। जब ये तामीर पूरी हो गई, उनके पास 1,00,000 दिनार सोने के, 1,00,000 सिक्के बच गए। उन्होंने खलीफा को ख़त लिखा, ये पैसे बच गए, क्या करूँ? उन्होंने कहा, ये आप दोनों की मेहनत दयानतदारी का इनाम है, आप रख लें। उन्होंने कहा, खुदा का खौफ करो, ये जगह तो ऐसी है कि हम अपने घर की चीज़ें बेच के वहाँ लगाएं, बजाय ये कि हम उससे पैसे लेके हम अल्लाह का घर बना रहे हैं, हम एक ऐसी अजीम चीज़ में उससे पैसे वसूल करें। ये जगह तो ऐसी है कि हम अपने घर की चीज़ें भी वहाँ लगाएं, ये नहीं चाहिए हमें। तो खलीफा का हुक्म आया, अच्छा ऐसा है कि ठीक है, इसको फिर पिघला के इसके गुंबद के ऊपर फिर मल दो। तो गुंबद जो आज भी चमकता हुआ नज़र आता है, तो इसमें उन दिनारों का सोना शामिल है। अच्छा हाँ, एक अजीब बात, 11वीं ईस्वी में जब 80 साल के लिए ईसाइयों ने इस कुब्बतु सखरा पे भी कब्ज़ा किया, पूरे बैतुल मुकद्दस पे कब्ज़ा था, जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वापस लिया, उस दरमियान क्या हुआ था, जो बड़े बड़े पादरी थे ना, उन्होंने क्या किया, इस कुब्बतु सखरा के टुकड़ों को सोने के एवज बेचना शुरू कर दिया। भाई जितने वज़न का सोना लाओगे, उतने वज़न का पत्थर तुम्हें काट के दे देंगे। जब ईसाई बादशाहों को ये खबर मिली, तो फिर उन्होंने पादरियों पे तो जोर ना चला, लेकिन वहाँ उन्होंने जो है ना वो पत्थर की स्लैबें लगवा दी कि वहाँ तक किसी का हाथ ही ना पहुँच सके। इस तरीके से ये मामला हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, मुसलमानों ने किस वजह से ये इतनी अजीम शान तामीर की, इसकी वजह क्या है? इसके मुख्तलिफ जवाबात लिखें। एक जवाब तो ये लिखा है कि यहाँ के जो मुसलमान आवाम थे ना, नए नए मुसलमान हुए थे इस इलाके के, बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, लोग बहुत कसरत से मुसलमान हुए। इन्होंने वो तो मदीना और मक्का के मामलात और वो तरबियत तो ना हुई थी इनकी, तो रूमी सल्तनत की बातें कुछ बाकी थीं, कुछ असरात थे। जैसे आज हमारे ऊपर हिंदुस्तान के असरात हैं, हमारी शादी बग़ैर हिंदुओं की तकरीब को हो ही नहीं सकती। बहुत थोड़े लोग हैं जो सुन्नत के मुताबिक शादी करते हैं। जितने नौजवान यहाँ मौजूद हैं, किसी को कहो सुन्नत के मुताबिक शादी कर लो, तैयार ही नहीं होगा। और जो माँ बाप बैठे हैं, इनसे को अपनी औलाद की सुन्नत के मुताबिक शादी कर लो, वो भी तैयार नहीं होंगे कि हमारे अंदर रच बस गई हैं हिंदुओं की चीज़ें। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा, समझाने के लिए मिसाल दी है। हाँ, गैरत ईमानी जब जाग जाती है, फिर सुन्नत ज़िंदा होगी, वरना रसूम और रिवाज। तो मुसलमानों ने ये तय किया कि यहाँ एक जगह बहुत अहम है, कीमती है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल है,
तो उसके ऊपर एक तामीर ऐसी कायम कर दी जाए जो मुसलमानों के लिए एक यादगार, एक शाहकार, एक विरसा बन जाए। और याद रखें, ये बैतुल मुकद्दस किसी एक मुल्क का विरसा नहीं, पूरी उम्मत का विरसा है। जितने ममालिक हैं, जितने मुसलमान हैं, जितने मुसलमान ममालिक, जितने दुनिया में मुसलमान, ये सब का, ये उम्मत का विरसा है, किसी एक मुल्क का विरसा नहीं है, ये हम सब का विरसा है। तो इस्लामी तारीख में एक ऐसा शहपारा है, तो उसको उन्होंने कहा कि ऐसी अजीम तामीर हो कि इस्लाम की शान शौकत, रौब और दबदबा ये दुनिया के ऊपर सामने आए। और एक ऐसी तामीर है कि एक फ्रांसीसी माहिर तामीरात ने ये कहा, ये उसके अल्फाज हैं, कि इमारत सिर्फ एक तारीखी यादगार नहीं बल्कि बनी नौ इंसान के तामीर करदा फ़न पारों में से बेहतरीन मेयार की हामिल है, जो हर देखने वाले की नज़र अपनी तरफ खींच लेती है। इसका हुसन और ख़ूबसूरती इंसानी वहम और गुमान से बहुत ऊंचा है। हमने तो जो कि देखी नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों ने देखी है वो ये कहते हैं कि ताजमहल ये तो एक दुनियावी मोहब्बत की, इश्क की बात थी, लेकिन ये इसके पीछे एक ख़ास मकसद भी था कि मुसलमानों की एक आज़मत को और शान शौकत को ज़ाहिर करना। और यहाँ तक लिखा है कि ये जो कुब्बतु सखरा वाली इमारत है, ये दुनिया का आठवां अजूबा डिक्लेयर कर दी जाए, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं फ़न तामीरात के एतबार से। लेकिन तासुब अहले यूरोप का वो ये करने नहीं देता, क्योंकि इसके साथ इस्लामी तशख़ुस मौजूद है, वरना फ़न तामीर के हिसाब से यहाँ कोई कमी नहीं। और वलीद इब्न अब्दुल मलिक तामीरात का बहुत शौक़ रखता था। मस्जिद नबी शरीफ में इजाफ़ा, दमिश्क की तारीखी जामे मस्जिद और ये मस्जिद अक्सा, ये सारी इमारतें उन्होंने बनवाईं। बाज़ मौरखीन ने इस इमारत को बनाने की एक और वजह लिखी, वो क्या कि अलकुदस शहर में, यानी यरूशलम में, अलकुदस में, एलिया, तीन नाम हैं, हम तो अलकुदस कहेंगे, दो बड़े बड़े गिरजे भी थे। एक का नाम था कनीसतुल क़यामा, एक मलका थी, उसने 325 ईस्वी में बनवाया था और ये बहुत अजीम शान इमारत थी, आज भी मौजूद है। इसके अलावा कनीसतुल महद एक तारीखी गिरजा भी था जिस पर ईसाई फ़ख्र करते हैं, ये कौन सी जगह थी जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। तो ये दो इमारतें थीं जिसे दुनिया भर से लोग देखने आते थे। तो मुसलमानों ने फिर ये बनाया कि भाई ऐसी चीज़ बना दो कि उसकी नज़ीर उस वक्त की ज़मीन के ऊपर फिर कहीं नहीं थी। यहाँ पर देखें, जब एक मस्जिद बनाई जाती है ना, मदरसा, तो उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं। भाई ये नमाज़ की जगह है, ये कमरा बनाया है, यहाँ भी तबलीगी जमात वाले आएंगे, ये उनके ठहरने की जगह है, ये भाई मोहतमिम साहब का कमरा है, ये ऑफिस है, ये जी क्या है, ये टॉयलेट बने हुए हैं, ये क्या है जी, वज़ू खाना है जी, और मुख्तलिफ़ ज़रूरियात, ये जी यहाँ पानी मिलेगा जी, ये यहाँ जनाब सिक्योरिटी गार्ड ने बैठना है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों की चीज़ें होती हैं। खाली एक मस्जिद में सफ़ तो नहीं होती ना कि इमाम और पीछे, पूरा एक इदारा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो चार दीवारी मुकद्दस है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ मुसलमान बादशाहों ने जो कुछ बनाया अपने वक्त के हिसाब से, वो अजूबा ही बनाया, नादिर ही बनाया। उस जगह की अहमियत के एतबार से जो कुछ उन्होंने बनाया, हर हर चीज़ बहुत ही यादगार थी। छोटी इमारतें भी हैं तो वो भी यादगार हैं, मदरसे हैं तो वो भी यादगार हैं, कुब्बे हैं, चबूतरे हैं। चबूतरे कौन से होते थे वहाँ पे, जहाँ उलमा बैठ के दर्स दिया करते थे और आवाम बैठ के सुना करते थे। खानकाहें जहाँ अल्लाह वाले बैठे होते थे, ज़िक्र होता था, और मदरसे होते थे, और वहाँ कुछ मीनारे हैं, पानी की सबीलें हैं, कुछ साइबान हैं और कुछ धूप की घड़ियाँ हैं जिनसे वक्त को मालूम किया जाता था कि नमाज का वक्त हो गया। और हर हर चीज़ जो भी बनी है वो अपने वक्त के हिसाब से वो अजूबा रोज़गार ही बनी। ये जो किताब है मस्जिद अक्सा, इस किताब में इसकी बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं। अल्लाह करे कि हम ये किताब को हासिल करके पढ़ लें। मस्जिद अक्सा एक बहुत अरसे तक मुसलमानों का अजीम इल्मी मरकज़ रहा। मुसलमानों की कुव्वत, जो असली कुव्वत है, वो दीन के इल्म से ही वाबस्ता है। नबी अलैहिस्सलाम जहाँ गए या किसी को भेजा,
इल्म दीन की तालीम पहले शामिल रखी। नबी अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का से मदीना आना था, आने से पहले मासब इब्ने उमैर को भेजा रज़ी अल्लाह ताला, यमन माज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को भेजा। तो जिनको भी जहाँ भी भेजा वो दीन के इल्म के लिए भेजा। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, उन्हें पता है क्या किया? उन्होंने दो जलीलुल क़दर सहाबा कराम को वहीं छोड़ दिया, आप यहाँ के लोगों की दीनी इल्म की ज़रूरियात को पूरा करें, उसकी निगरानी करें, ज़िम्मेदारी को कबूल करें। उनमें से एक थे हज़रत उबादा इब्ने सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे थे शद्दाद इब्ने औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों अंसारी सहाबा थे, दोनों जलील क़दर सहाबी और इल्म के पहाड़ से। इनको यहाँ रोका और उन्होंने फिर यहाँ दीन के इल्म की तालीम का सिलसिला शुरू किया, सीखना सिखाना शुरू हुआ, जो फिर मुख्तलिफ अदवार में चलता ही रहा। एक गैप आया 80 साल का, जब ईसाइयों ने कब्ज़ा किया था, और या फिर ये अब 1917 के बाद से जब अंग्रेज़ हुकूमत ने कब्ज़ा किया उस वक्त से ये सिलसिला बंद है, वरना 1400 साल में ये सिलसिला उसी तरीके से बाकी रहा। यहाँ दीन इल्म की इल्म दीन की अहमियत बताने से ये बात बहुत ज़्यादा कहनी मखसूस है, ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इस्लाम अगर बाकी रहा है ना, वो दीनी मदारिस की बरकत से रहा है। इनको ख़त्म कर दिया जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हया, ईमान, पाकदामनी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर जो नौजवान होंगे, नाम तो उनका मुसलमानों का होगा, लेकिन वो अव्वल तो नमाज ही नहीं पढ़ रहे होंगे, नमाज ही पढ़ रहे होंगे तो दौरान नमाज भी ना महरमों से मुलाकातों के मंसूबे बन रहे होंगे, दुआओं में भी क्या मांग रहे होंगे, या अल्लाह जिससे मैं मिलना चाहता हूँ वो मेरी बात मान ले, मैं उसे पटाना चाहता हूँ वो पट जाए, ये बातें होंगी। और ये मदारिस कौन से होंगे जो क़ुरून उला की तर्स के ऊपर खालिस दीनी तालीम ही देने वाले होंगे? तो खालिस दीनी तालीम ये हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है, और मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि इन मदारिस की हर तरीक़े की मदद करें, अगर ये चाहते हैं कि मुसलमानों में ईमान बाकी रहे, वरना अगली नस्लों में ना ईमान होगा ना कलमा पढ़ाने वाला कोई होगा। तो ये बैतुल मुक़द्दस तमाम मुसलमानों की मुश्तरका मीरास है। एक लफ्ज़ है तख्ते दाऊदी, उसके बारे में भी चंद बातें सुन लीजिए, लेकिन फिर दरख्वास्त मेरी ये है कि इस किताब मस्जिद अक्सा को, किताब का नाम है अक्सा के आंसू, इसको बाज़ार से ख़रीद के, उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी और जहाँ से मिल जाएगी तो जहाँ से भी मिले इसको हासिल करके हम ख़रीदें, मुफ्ती अबू लुबाबा साहब की, इसको पढ़ें। अगर हम ये भी ना कर सकें ना तो फिर हम कहेंगे इतनी भी हमारे अंदर कोई एहसास नाम की चीज़ नहीं रही कि भाई इमाम मेहदी आएंगे हम उनके हाथों को चूम कर सारे काम कर लेंगे, ऐसी आसानी नहीं है। ये जो मुक़द्दस चट्टान है ना, जो क़िबला अव्वल, इसके बारे में यहूदी ये चाहते हैं कि इसको हासिल किया जाए, गुम्बद को गिराया जाए और वहाँ पर एक सुर्ख जो है ना बछड़ा ज़िबा किया जाए जिस पर कोई दाग ना हो, ताकि उनकी कौम पाक हो जाए। नापाक नापाक ही रहते हैं, इस तरह बछड़े ज़िबा करने से ना पाकी ख़त्म नहीं होती। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि अपने निजात दहिंदा यानी दज्जाल के लिए इसके ऊपर हैकल सुलेमानी बनाएं, और एक पत्थर है जिस पर हज़रत सुलेमानी, जो इनके एक बकौल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताशपोशी उसके ऊपर हुई थी, वो पत्थर आज इंग्लैंड में मौजूद है और उनका जो शाही चर्च है उसके अंदर मौजूद है। वो चाहते हैं कि उसको वहाँ से उठा के याफे वापस लाया जाए, ताकि दज्जाल यहाँ आए और इसके ऊपर बैठकर फिर पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत को कर सके। कुरान मजीद में 15वें सिपारे में बैतुल मुक़द्दस के बारे में तफसीलात कुछ बताई गई हैं, और ये भी बताया गया कि यहूदियों की बदआमालियों की वजह से दो मरतबा इसको ख़त्म किया गया। फिर उनको मौका भी दिया गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का, लेकिन उन्होंने इस ईमान को कबूल न किया और उसके बाद ये दुनिया में दर बदर घूम रहे हैं। तो बहरहाल तीसरी मरतबा बनाना चाहते हैं। पहली मरतबा
तो बख्तनसर ने इसको तबाह किया, उन्होंने फिर टेंपल बनाया, और उसके बाद यहूदियों फिर दोबारा शरपसंद कौम थी, दोबारा अपने ही कामों में लगे रहे। तो अल्लाह ताला ने एक रूमी जनरल था टाइटस, उसको मुसल्लत किया, जिसने 70 ईस्वी में सब कुछ गिरा दिया। तो 2000 साल से आप समझ लें कि उनका कबीला गिरा हुआ है, और वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर वो तामीर करें। और उनकी हुकूमत जो उनकी ख्वाहिश क्या है ज़रा सुनिए, वो ये चाहते हैं कि तीसरा माबद तामीर करें, ताकि दज्जाल अकबर ज़ाहिर होकर तख्ते दाऊदी पर आलमी सरबराह हुकूमत का ताज बनकर बैठे और सारी दुनिया पर हुकूमत करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तकमील कर सके, यानी ऐसे नए आलमी निज़ाम की जिसमें यहूदियों के अलावा बकिया तमाम इंसान, जिन्हें वो गोइम और जेंटाइल कहते हैं, इंसानी जानवर, फिर वो फैसला कर सके कि किसको ज़िंदा रहना है हमारी खिदमत के लिए और किसको मारना है जो ज़मीन के ऊपर बोझ हो। चूँकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के ख़ास हैं, तो उनके टारगेट्स तो ये हैं। हमें मोबाइल से फुर्सत मिले तो हम कोई खौफ खुदा की कुछ बातें सोचें, तो उनके टारगेट्स तो ये हैं कि इसको गुंबद को भी गिराया जाए, मस्जिद को भी गिराया जाए, इस गुंबद के ऊपर वो जो बरतानिया के शाही चर्च में है, ये जो बख्तनसर इसको टेम क्या कहते बरतानिया के शाही चर्च में जो है उसको वापस लाया जाए, और उसके ऊपर बैठ के दज्जाल जो है पूरी दुनिया पर हुकूमत करे, और उसमें इनके अंदर जो है ना कि हम सारी दुनिया में सबसे बेहतर हैं, और बाकी सारे इंसान में सिर्फ उसको जीने का हक़ होगा जो हमारी खिदमत के लिए ज़रूरी होगा, और जो शख्स हमारी खिदमत के लिए ज़रूरी नहीं वो धरती के ऊपर बोझ है, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इनके टारगेट्स। एक अजीब बात है, ये ईसाई और यहूदी आज इकट्ठे हैं, इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, तकरीबन 2000 साल रही है, ये कैसे ख़त्म हो गई, एक अजीब व गरीब तारीख़ी हकीकत है। इसकी भी तफसीलात आपको इसी किताब अक्सा के आंसू में मिलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो यहूदियों ने ही उनको सूली पे लटकाने की कोशिश की, यहूदियों ने ही उनकी माँ के ऊपर बहतान लगाए, इल्ज़ाम लगाए, तो इनकी तो आपस में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई थी, ये इकट्ठे कैसे हो गए। और ईसाइयों के नज़दीक दुनिया की खबीस तरीन मखलूक यहूदियत है, और दुनिया में अगर कहीं कोई वाक़या होता बुरा, जैसे एक मरतबा एक जगह ताऊन आया तो उन्होंने कहा यहूदियों की नहुसत से आया, हालांकि उसमें यहूदी ख़ुद भी मरे थे। ये एक अजीब तफसील है कि जिसमें इंसान हैरान हो जाता है कि ये 2000 साल के दुश्मन, ईसाइयों ने हमेशा यहूदियों को मारा और खूब मारा, लेकिन ये 100 सवा 100 साल से, 150 साल से जो तब्दीली आई है, ये क्या वजह है। अभी इस किताब को पढ़ेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी असल में क्या चीज़ है। ये तीन अलग अलग कौमें हैं, एक इस्लाम, एक यहूदियत और एक ईसाइत, तीनों के अंदर किताबें मौजूद। ईसाइत और यहूदियत में तौरात और इंजील सब तब्दीलियां कर दी गई, तहरीफ़ कर दी गई, अब खाली दास्तानें हैं, असल बात कोई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात किसी न किसी शक्ल में, तहरीफ शुदा शक्ल में मौजूद। ईसाइयों के यहाँ ये है, कहता ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और जब वो आएंगे तो ईसाई ये समझते हैं कि यहूदी मुसलमान हो जाएंगे, उन्हें ये अकल नहीं आ रही कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए थे तब ये ईसाई ना हुए तो आज कैसे ईसाई हो जाएंगे। ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बैतुल मुकद्दस में ही वहाँ पैदाइश थी उनकी, दोबारा भी यहीं आएंगे, हम मुसलमानों से बैतुल मुकद्दस हासिल ना कर सके, चलो यहूद ने कर लिया, हम यहूद के साथ एका कर लें, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे सारे यहूदी ईसाई हो जाएंगे और दुनिया पे ईसाइयत की हुकूमत होगी, वो इस इंतज़ार में बैठे हैं। मुसलमान और जो यहूदी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्ज़ा करना, गिराना और थर्ड टेंपल बनाना और दज्जाल के लिए सारी तैयारी करना कि वो जब आएगा तो सारी दुनिया के ऊपर इनकी हुकूमत होगी। और मुसलमान, हम कुछ नहीं कर रहे वैसे, लेकिन मुसलमानों के वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि ये चीज़ें मिल जाएं उनको, हम कर कुछ नहीं रहे, लेकिन मुसलमानों के पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सारी सच्ची खबरें मौजूद हैं कि आखिर ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है,
दज्जाल का खुरूज है और इमाम मेहदी का ज़ुहूर है, ये चीज़ें होनी हैं। और ये सब मुआरके भी फ़लस्तीन में ही होने हैं। और एक अजीब मामलात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को, अफ़ग़ानिस्तान को, इन इलाक़ों को कैसे चुना है, बस ये अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर कि हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि आखिर ज़माने में जिस वक्त ग़ज़वा हिंद होगा और मुसलमान फ़तह हासिल करेंगे और जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उनके हुक्मरान होंगे इनको बेड़ियों में जकड़ कर मुसलमानों के सामने लाया जाएगा और फिर वो लश्कर यहाँ से निकलेगा और ये जाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के पास और फिर ईसाइयों के यहूदियों के साथ जो है और दज्जाल के साथ फिर फाइनल वॉर होगी और ये बिल्कुल बराबर बराबर होगा। देखें कब होगा ये तो नहीं मुझे मालूम, महसूस ये होता है कि वक्त बड़ा करीब आ गया। शायद जो सफ़ेद दाढ़ी वाले बैठे हैं इन्हीं की ज़िंदगी में वक्त आ जाए, नहीं तो अभी जिनकी दाढ़ियाँ काली हैं उनकी ज़िंदगी में तो बहुत अंदाज़ा है कि शायद आ ही जाए। बहुत करीब मामला आ गया, बहुत ही करीब मामला है। ईसाइयों का एक अकीदा है हज़ार साला, उसको कहते हैं जी मिलेनेरियन, ये उनका अकीदा है। 1000 साल पहला जब ख़त्म हुआ था ना उस वक्त उनको यकीन था कि इनका मसीहा आएगा, यहूदियों को अपने मसीहा का इंतज़ार, उनको अपने मसीहा का इंतज़ार। अच्छा एक बात और ज़रा गौर करें, जितना कुछ हो रहा है ना ये अकीदे की बुनियाद पर हो रहा है, ये उनके दीन की बुनियाद पर हो रहा है, उनके मज़हब की बुनियाद पर हो रहा है, ये इत्तेफाकात नहीं है, ये बुनियाद परस्ती मुसलमानों को ताना देते हैं। ये जो कुछ वो कर रहे हैं अपने अकीदे की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं और ये उनका बड़ा मशहूर अकीदा है, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। पहले 1000 साल के ख़त्म पे उन्हें अंदाज़ा था आएंगे लेकिन ना आए, अब दूसरे 1000 साल के ख़त्म पे ऊपर दोनों को यकीन है कि अब तो आना है। वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो मसीहा यानी दज्जाल को इंतज़ार में हैं, हम खैर सोए हुए हैं। हमारा ये तो अकीदा है कि हज़रत इमाम मेहदी ने आना है, कब आना है उसका किसी दिन और साल से हमारा ताल्लुक नहीं है, उनकी सोच के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जितना कुछ कर रहे हैं वो अपने अकीदे के मुताबिक कर रहे हैं और हमें मुसलमानों को अपने अकीदे की फ़िक्र ही कोई नहीं। और इसी किताब में अक्सा के आंसू में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, मैं तो हैरान हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा सो रहे हैं। तफसीर माजिदी में हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलिकत जो थी वो दरियाए नील से दरियाए दजला तक थी, दरियाए नील से दरियाए दजला। और आज इसराइल की पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि ए इसराइल तेरा तो नील और दजला तक का मामला है। वो मैं अभी पढ़ के आगे सुनाता हूँ कि वो ये कहते हैं कि तौरात ने उनसे वादा किया था ए इसराइल तुम्हारी सल्तनत की हदूद दजला से नील तक होगी, ये लंबाई है। और चौड़ाई सुनिए, चौड़ाई के बारे में कहते हैं उर्ज नामी दरख्त यानी सनोबर के दरख्त की पैदावार के इलाके से खजूरों की सरजमीन तक होगी, यानी लबनान से मदीना तैयबा तक। अट्ठारह में स्विट्ज़रलैंड में एक यहूदियों का इजलास हुआ और जिसमें उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया, 1897 में डिक्लेयर किया कि 50 साल बाद ज़मीन के ऊपर एक यहूदी हुकूमत कायम होगी और वो वाकई 50 साल बाद 1948 में कायम हो गई। इसकी बहुत तफसीलात थी। जो मुसलमानों के आखिरी खलीफा थे सुल्तान अब्दुल मजीद ख़ान, यहूदियों ने उनको पैसों की ऑफ़र की, मकरूज़ थे अपनी बेजा ख़र्चों की वजह से और दूसरी बहुत सारी बातों की वजह से, यहूदियों ने बहुत बड़ी दौलत की ऑफ़र की, कहा कि आप फ़लस्तीन हमें दे दें, फ़लस्तीन की मिट्टी फ़लस्तीन की ज़मीन हमें दे दें। कमज़ोर बहुत था लेकिन बहरहाल फातहीन का खून था, गैरतमंद था, उसने अपने पाँव के नाखून पर ऐसे खुरचा और जो मिट्टी आई कहा कि तुम सारी दौलत दे दो तो मैं फ़लस्तीन की इतनी मिट्टी भी नहीं देना चाहता जो मेरे नाखून में लगी हुई है। तो एक ज़माना था जब गैरत ईमानी हमारे हुक्मरानों में थी।
तो बहरहाल उसके बाद फिर और फसादात और मुख्तलिफ तरीक़ों से, साजिशों से, अय्यारियों से जो है ये सारे काम किए गए। अच्छा जी, अब वक्त कम रह गया है तो थोड़ा सा हम करीब आते हैं। ये जो कुछ हुआ इसके पीछे बहादुरी नहीं है, इसके पीछे अय्यारी ज़्यादा है, मकरो फरेब ज़्यादा है, धोखे ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ धोखे दिए गए, मुख्तलिफ तरीक़े। जब ये फ़लस्तीन में यहूदी ज़मीनें ख़रीद रहे थे, यहाँ से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फतवे भेजे उन लोगों के मांगने पे कि इन लोगों को ज़मीन भेजना हराम है, जो ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं। हमारे उलमाए देवबंद ने उस बारे में उस वक्त फतवा दिया और वहाँ के लोग भी इनकी हैसियत को मानते थे। तो ये एक मकर फरेब की बड़ी दास्तान है, लेकिन इन दास्तानों में नाउमीदी नहीं है। फ़िक्र की बात क्या है कि हम कहाँ होंगे? असल मसला ये है, इमाम मेहदी आ जाएंगे, आके रहना है उन्होंने, कब आना है कोई नहीं पता। महसूस ये हो रहा है कि जो उनके प्लान हैं कि वो मस्जिद अक्सा को और गुंबद सुनहरी गुंबद को, मस्जिद अक्सा और सुनहरी गुंबद को गिराने के बिल्कुल तैयारियों में हैं और किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी ये ख़बर आ सकती है। तो जो उन्होंने मदीना की तरफ बढ़ना है उस तरफ उनकी तैयारियां सारी पूरी हैं। ये तफसीलात इसमें और बहुत लिखी हुई हैं, वो चीज़ें तो बहुत करीब आ रही हैं। हमें अब क्या करना है इस पर हम आते हैं, वरना बातें तो अभी और बहुत मौजूद हैं। मैंने तो 6-7 घंटे आज इस किताब का मुताला किया है और कल भी करता रहा, इतनी आगे तफसीलात हैं कि अल्लाहु अकबर कबीरा। कि यहूदियों की ये जो हुकूमत है ये उनकी कोई असल में कामयाबी नहीं है, ये हमारी नाकामी है। पता नहीं कितने मुसलमानों को मुनाफिकत की सज़ा मिले और कितने मुसलमान अपनी आखिरत के आज़ाब को मोल ले लें। मसला हमारा है। उनकी बात क्या है? उनकी बात तो सादा सी ये है कि वो अपनी आखिरी कतलगाह में जमा हो रहे हैं। कुदरत उनको सारी दुनिया से जमा कर रही है कि जब भी उनके लिए उनका मसीहा बमुताबिक उनके दज्जाल और सही तालीमात के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, इमाम मेहदी का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, इमाम मेहदी का ज़हूर और दज्जाल का खुरूज और उधर से खरासान से लोगों का आना और ग़ज़वा हिंद का होना और साइमल्टेनियसली वहाँ पर ये मामलात का हो जाना, ये सब क्या हैं? ये उनके ख़ात्मे की पूरी पूरी तैयारियां हैं। वो अपने ही ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रसूलुल्लाह ने बता दिया ये हो के रहना है। अब तारीख़ की चंद बातों पे गौर कीजिएगा। पहले तो ये बताएं कि ये किताब अक्सा के आंसू पढ़ेगा कौन? देख लें, सारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मैं तो सोच रहा था कोई शायद एक आध ही पढ़ेगा, अब वादा कर लिया तो निभाना पड़ेगा। अब तारीख़ में ज़रा चंद बातों पे गौर करें। मदीना तैयबा शहर है, नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला मिलती है कि सारे अरब का कुफर इकट्ठा होकर हमला करने आ रहा है। साथियों में मशवरा हुआ, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह खंदक बनाइए। खंदक बनाई गई। कैफियत यह है कि पेट पे पत्थर बंधे हुए, खाने को कुछ नहीं है, ये कैफियत है। अंदर मुनाफिकीन भी हैं, यहूदी भी हैं और बाहर सारे अरब का कुफर आ रहा है मदीना को बिल्कुल मिटाने के लिए। क्या हुआ? खंदक बनाई गई, 10-10 लोगों की जमातें बनाई गईं। ये तबलीगी जमात वाले 10 की जमात बनाते ना तो खंदक में भी 10। हर चीज़ की असल वहाँ मौजूद है। बाद लोग कहते हैं जी कि इतराज़ात करते थे, इतराज़ात की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तमाम सहाबा खंदक को नहीं जानते सिवाय हज़रत सलमान फ़ारसी के। अब अंसारी भी थे और मुहाजरीन भी। अंसारी सहाबा चाहें कि हमारे हिस्से में आए, मुहाजिर चाहें हमारे हिस्से में आए, कि अकेला बंदा तो है जिसको पता है करना क्या,
बाकी सब के सामने तो एक जहनी खाका है, देखा तो किसी ने नहीं, प्रैक्टिकल तो किसी ने नहीं किया। अब नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली, जिस दस की जोड़ी में ये शामिल थे ना जमात में, उनमें चंद अंसार और चंद मुहाजरीन के भी दोनों को मिल गए। अच्छा, एक एक एरिया दिया कि इतना चौड़ा और इतना गहरा बनाओ, ये समझने की बातें हैं। तमाम जमातों ने अपना सारा काम बिल्कुल कर लिया और बहुत से लोगों ने बिफोर टाइम कर लिया, जो एक टाइम सोचा गया था ना उससे भी जल्दी अपने जज्बे की वजह से कर लिया। कहीं किसी को कोई मसला नहीं आया, सिर्फ मसला आया तो उस दस की जमात को जिसमें सलमान फारसी मौजूद थे। ये कुदरत है रब की। क्या हुआ, एक चट्टान आ गई, किसी से ना टूटी, औजार टूट गए, अब बड़े परेशान हैं, क्या करें। अब परेशानी में फिर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, अल्लाह ने दिखा दिया सलमान असल कुदरत तो मेरी है। अल्लाह दिखाना चाहते थे ना मुसलमानों के कि भाई असल तो पीछे मैं हूँ, बाकी चीज़ें तो मैं करवा रहा हूँ तुमसे। खैर, नबी अलैहिस्सलाम आए और आपने एक चट्टान थी उसको तीन दफ़ा मारा, तीनों दफ़ा रोशनी बुलंद हुई थी और तीनों दफ़ा आपने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक दफ़ा का यमन और उसके महल, एक दफ़ा का रूम और उसके इलाके, एक दफ़ा का फारस और उसके इलाके, ये सब मुसलमानों को अल्लाह ने दे दिए। हालत क्या है कि दुनिया भर सारे अरब का कुफर मदीना मिटाने के लिए तैयार, अंदर भी दुश्मन बाहर भी दुश्मन, खाने को कुछ नहीं। और बात क्या कह रहे हैं, समझ में आई बात कि नहीं आई, क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को अल्लाह इतनी इज्जत देंगे कि यमन रोम और फारस, ये दो बड़ी सुपर पावर्स थी उस ज़माने में, कैसर और किसरा, मुसलमानों की मिलेंगी। उस वक्त पता क्या हुआ था, इम्तिहान था। मोमिनीन ने कहा वाकई ऐसा होगा और होके रहा, और जो मुनाफिकीन थे वो मजाक उड़ाते थे, देखो पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, अपनी कोई खबर नहीं और ख्वाब। ये मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना बात, उसको समझें। तारीखी वाक़यात तो आप वादा कर चुके हैं कि अक्सा के आंसू किताब पढ़ेंगे। हुआ क्या, जो रब ने कहा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से अदा हुआ वो हुआ। हुआ क्या नहीं, उसके बाद एक मौका और आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह, एक हदीस में आता है कि एक फरमाया था कि कुस्तुनतुनिया फतह होगा। कुस्तुनतुनिया में कौन हुक्मरान थे उस वक्त, ईसाई। जैसे ही और फरमाया था कि वो जो लश्कर होगा वो बेहतरीन होगा और जो उसका अमीर होगा वो अमीरों में बेहतरीन अमीर होगा, सुल्तान फातेह उनका नाम था। फिर क्या हुआ, सहाबा ने कोशिश की, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला जो मेज़बान रसूल थे उन्होंने भी कोशिश की बुढ़ापे के बावजूद, और वहाँ आज इस्तांबुल में उनका मज़ार है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। कई सौ साल तक मुसलमान कोशिशें करते रहे करते रहे करते रहे, तारीख है लंबी, वो बताना यहाँ मकसूद नहीं है, तारीख जो बात बताना मकसूद है उधर आखिर में आता हूँ। अभी कुस्तुनतुनिया फतह नहीं हुआ था, तातारी आ गए, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, अलकुदस पे भी आ गए। उस ज़माने में जब इतने मुसलमानों के बुरे हालात थे ना, लाखों मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए गए, उस वक्त भी मुसलमान उलमा दीनदार तबका वो क्या कहता था कि कुस्तुनतुनिया फतह होगा। हालत यह है कि कुछ हाथ में नहीं रहा, लेकिन वो होके रहा। हुआ कि नहीं हुआ, और आज अगर इस बात पे हम गौर करें तो इस वक्त की क्या पोजीशन है कि सारी दुनिया के ऊपर जो ज़ाहिरी क़ुव्वतें हैं ताकतें हैं मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं, और मुसलमान हुक्मरान कुछ करने को तैयार भी नहीं। और महसूस ये हो रहा है कि जी वहाँ उन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, अब वो पता नहीं क्या क्या आगे हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो यकीन वाले ईमान वाले हैं, जो यकीन वाले मोमिनीन हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों के ऊपर कामिल यकीन है कि जब भी ये बैतुल मुकद्दस के ऊपर अल मलहलतुल कुबरा आर्मगेडन तीसरी जंग अजीम ये जब होगी और इधर गज़वा हिंद होगा तो फतह सिवाय मुसलमानों के और किसी की नहीं होगी। ये हो क्या रहना है, हमें इस पर यकीन रखना है, अपनी नस्लों को ये पैगाम देना है, अपने बच्चों को ये समझाना है।
होगा कब ये मुझे नहीं मालूम, महसूस ही होता है कि बस अब आज हुआ कि कल हुआ, अब बहुत करीब मामला महसूस होता है। हमें क्या करना है, हमें इस तरफ आने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है, हमें शरीयत की 100% इत्तेबा की कोशिश करनी है, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करनी है, बेहयाई और बेदीनी से अपने आप को निकालना है। दीनी मदारिस, मसाजिद, तबलीगी मराकज, अहले इल्म के साथ, उलमा के साथ, मशाइख के साथ, इनके साथ अपने और अपने औलाद को लगाना है। हमारा ईमान तभी बचेगा, वरना हमारा ईमान बचने की कोई और वजह नहीं है। क्योंकि जब इमाम मेहदी आएंगे तो बहुत सारे रोशन ख्याल मुसलमान ये उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, हम कहीं उनमें ना खड़े हो जाएं। ये बहुत बड़ा मामला आएगा। जो मुनाफिकीन मदीना थे ना, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ते थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन यकीन नहीं रखते थे बातों का। तो हमें अपने यकीन को पुख्ता करने के लिए दीनी माहौल और मिजाज की ज़रूरत है, और उसके लिए हम सब कोशिश करें कि भाई दीनी मजादे मदारिस मसाजिद, इसको हम जान माल वक्त सब कुछ लगाएंगे। एक जुमला मैं आपको और बता दूं इस किताब में से, कहते हैं जी लिखते हैं कि 6 जून 1967 का दिन था जब इसराइली फ़ौजें अल-क़ुदस में घुस गईं और कब्ज़ा कर लिया। तो जो उस वक्त इसराइल का फ़ौज का बरी फ़ौज का सरदार था, बड़ा था, उसकी आदत ये बयान की जाती है कि वो कोई भी मंसूबा मुकम्मल होने पर पीछे मुड़कर उसकी मुबारकबादियाँ नहीं लेता था, अगले काम की तरफ तवज्जो मरकूज़ कर लेता था। चुनाचे उसने यरूशलम ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल होने की इत्तला पाकर कहा, हमने यरूशलम पर कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया है, अब हम यसरब यानी मदीना की तरफ बढ़ने लगे हैं। यानी अगले टारगेट का ऐलान 1967 में वो कर चुके हैं। हमें क्या करना है, हम चूँकि आवाम हैं, हमें जो चीज़ें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दीन पर इस्तेकामत की है। और इस दुनिया के अंदर दो ही नज़रियाती हुकूमतें हैं, सल्तनतें हैं, एक इसराइल और एक पाकिस्तान, जो किसी नज़रिए के ऊपर कायम हुए हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं अपने नज़रिए पर कर रहे हैं, हम अपने नज़रिए को भूल चुके हैं। हमने ये मुल्क किस काम के लिए लिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम भूल गए इस मकसद को। पाकिस्तान की बका मोहम्मद रसूलुल्लाह है, पाकिस्तान की इब्तिदा और क़याम ला इलाहा इल्लल्लाह और इसकी बका मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और ये भी अजीब बात है, पूरी दुनिया में हर मुल्क में ही पार्लियामेंट है, लेकिन इन दो पार्लियामेंट के ऊपर अजीब बातें लिखी हुई हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नज़रिया है, और इसराइल की पार्लियामेंट पे लिखा हुआ है, ए इसराइल तेरी सल्तनत की सरहदें नील से फरात तक हैं, ये भी एक नज़रिया है। अब हमें क्या काम करना है, हमें नेकी की तरफ आना है, अपने गुनाहों को छोड़ना है, और पूरी कोशिश करनी है दीनी माहौल और मिजाज को अपनाने की। इस रियासत के यहूदी रियासत का जो कायम करने का मकसद था वो क्या, उससे पहले से तैयारियां शुरू हैं, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा, मस्जिद अक्सा का इन्हिदाम, गुम्बद सखरा को ढाकर इसके नीचे मौजूद मुक़दस चट्टान पर हैकल सुलेमानी की तामीर, और फिर अजीम तर इसराइल का क़याम। अब तीन हदीस सुन लीजिए, उसके बाद फिर बात को मुकम्मल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत के दो ग्रोहों को दोज़ख के अज़ाब से बचाएगा। तवज्जो है जी कि नहीं, मेरी उम्मत के दो ग्रोहों को जहन्नम के अज़ाब से बचाएगा, यानी वो जन्नती होंगे, इनमें से एक हिंदुस्तान से जिहाद करेगा और दूसरा था ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ होनी हैं, इब्तिदा यहाँ से होनी है हमारे इलाक़ों से फिर उधर। अब दूसरी हदीस सुनिए, तुम में से एक जमात हिंदुस्तान के साथ जंग करेगी, इसे अल्लाह ताला फतह नसीब फरमाएंगे, यहाँ तक कि फातिहीन अहले हिंद के हुक्मरानों को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ लेंगे,
अल्लाह ताला इन मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमाएंगे और इससे जब मुसलमान फारिग होंगे तो मशरिक़ वस्ता की जानिब यहूदी फितने की सरकोबी के लिए पहुँचेंगे तो शाम में मसीह इब्ने मरियम को पाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। तीसरी हदीस सुन लीजिए, तुम मुशरिकीन मक्का से जंग करोगे हत्ता के तुम्हारे बाकी मानदा लोग नहर उर्दन पर दज्जाल से जंग करेंगे और तुम दरियाए उर्दन की मशरिकी जहत में होगे और वो मगरिबी जहत में होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो जगह तक भी बता दी कि दरियाए उर्दन के एक तरफ कौन होगा तो दूसरी तरफ कौन होगा, ये सब कुछ तो होना है, हम कहाँ होंगे, मसला हमारा है। तो बेबस और बेहिस का फ़र्क, बेबस तो वो है जो कर कुछ नहीं सकता, बेहिस वो है कि जो वो कुछ कर सकता हो वो भी वो ना करे। अब हम क्या कर सकते हैं, हया और पाकदामनी को हम अपनाएं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा फ़लाँ कौम पे हमला करें, फ़तह आपकी होगी। उस कौम पे जब हमला किया तो कौम में एक ऐसा बंदा था जो अल्लाह ताला के कानून को जानता था, उसने कहा देखो तुम अपनी औरतों को वहाँ बेलिबास ज़रा तैयार करके खड़ा कर दो, अगर कोई मुसलमान ज़िना में मुब्तला हो गया तो फिर तुम्हारा काम हो गया, फिर ये मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने अपनी औरतों को खड़ा किया और मुसलमान में से एक सिर्फ ज़िना में मुब्तला हुआ, अल्लाह ताला का आज़ाब आया, 70,000 बनी इसराइल के लोग नबी की मौजूदगी में हलाक हो गए ताउन से, बीमारी से। फिर क्या हुआ, उनको भी शरीयत मूसवी के मुताबिक सज़ा दी गई, फिर सब ने तौबा की, फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी, फतह फिर हुई। तो अगर पूरी उम्मत में एक बेहया हो तो ये मामला हो जाता है, और जहाँ टिकटॉक में हर घर में बेहयाई चल रही हो मदद कैसे आएगी। हमारा काम सबसे पहले हया और पाकदामनी को अपनाना है, अपने किरदार को बनाना है। वो कैसे बनेगा, जब हम उलमा दीनदार लोगों की मजालिस में आएंगे बैठेंगे, ये मसाजिद, ये खानकाहें, ये तबलीगी मराकज़, ये दीन के जो किले हैं, इस्लाम के किले हैं, जब तक ये आबाद रहेंगे और हम जो लोग इनसे अपने रابطے को बढ़ाएंगे और रखेंगे वो और उनकी नस्लें बचेंगी। ये सादा सी बात है, किसी को समझ में आ जाए तो उसका नसीब। जंग में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना हबीबुल्लाह साहब दामत बरकातहुम बड़े जय्यद आलिम हैं, फरमाने लगे एक मरतबा मेरे पास एक वकील साहब आए और मजाक उड़ाने के अंदाज़ में ना एक बात पूछी उन्होंने, कहा इमाम मेहदी जो आएंगे हनफी होंगे, शाफ़ी होंगे, हम्बली होंगे, मालिकी होंगे, गोया कि तुम तो आपस में लड़ते हुए रहते हो, वो क्या होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया बड़ा अजीब, याद रखने के काबिल, उन्होंने फरमाया वो जो भी होंगे होंगे मौलवी। तुम उलमा से नफ़रत करते हो, उलमा के पास अपने औलादों को नहीं भेजते हो, तो बताओ तो सही जब वो आएंगे तो उनकी तस्दीक कैसे करेंगी तुम्हारी औलादें। और आज मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, वीडियो गेम्स के ज़रिए कितनी गेमें ऐसी हमारे बच्चे खेलते हैं, और उसमें इस्लामी शायर को, कहीं बैतुल्ला को, कहीं एक गेम थी उसके बारे में मैंने देखा, कोई आई थी तफसील कि जो आखिरी जो उनका दुश्मन है ना, वो जो दरवाज़ा था वो मस्जिद नबी शरीफ का दरवाज़ा था, जो सबसे बड़ा उसमें जो उनका आखिरी फ़ाइनल टारगेट था। तो बहुत सारी तरीक़ों से हमारे ऊपर हमला आवर हैं, तो हमें एक ही बात है, अल्लाह वालों की सोहबत, नेक मजालिस और उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लें, वरना मुनाफिकीन में कहीं शामिल ना हो जाएं, उन्हीं का इनकार ना कर दें, क्योंकि वो बात तो वही करेंगे जो ना हुजूर ने की है, उनका हुलिया भी वही होगा जो हुजूर वाला है, तरीक़ा भी वही होगा जो हुजूर वाला है। ये उलमा कौन है, ये हुजूर के वारिस हैं, अम्बिया के वारिस हैं। तो जो इनके साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत रखेगा जितना ज़्यादा, इंशाअल्लाह ताला उतना उसका मामला आसान होगा। अब किसकी ज़िंदगी में है, किसकी ज़िंदगी में नहीं मालूम नहीं, एक दुआ हम ज़रूर करते हैं, या अल्लाह अगर इमाम मेहदी का ज़हूर हमारी ज़िंदगियों में है तो उनकी माइयत में शहादत अता फरमा, मरना तो है ही, कोई रहा यहाँ पर, तो अगर हमारी ज़िंदगियों में उनका ज़हूर है तो अल्लाह उनकी माइयत में शहादत अता फरमा, और अगर हमारी ज़िंदगियों में उनका ज़हूर नहीं तो उनसे मोहब्बत करने वालों में लिख दें।
और ये जो बात है ना कि उनकी मईत में शहादत अता फरमा, तो उसके लिए पहले से हमें कुछ कम से कम 5 वक्त का नमाजी तो बनना पड़ेगा, कोई सच्चा मुसलमान तो बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन में पता लगे कि इमाम मेहदी आ गए और हम तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे चेंज कर लें, ऐसे नहीं होना। उसके लिए हमें आज ही से दीनदार लोगों से दीनी मेहनत पे करनी है, कम से कम जो फ़राइज़ हैं कम से कम वो तो कर लें पूरे। बाकायदा आज इसी किताब में लिखा हुआ है, बाकायदा आज यहूदियों में ईसाइयों में ऐसे लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं अब तो दुनिया ख़त्म होने के बहुत करीब आ गई, अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके कहने हैं, क्योंकि 1000 साल जो अकीदा है उनका, उसके मुताबिक उनमें से बाद ऐसे भी हैं, वो चंद हों लेकिन एक किसी दर्जे में मौजूद हैं। और भाई हमारी ज़िंदगी इमाम मेहदी आए या ना आए, जिसकी मौत आ गई उसका तो मामला ख़त्म हो गया ना, क्या पता किस वक्त मौत आ जाए, आज ही आ जाए। तो कम से हम कम अपने अकीदे को हम ठीक रखें, कम से कम अपने सोच को ठीक रखें, अपनी फ़िक्र को अपने इरादों को तो ठीक करें, क्या हम ये भी नहीं कर सकते? फिर पूरी दुनिया में जहां मुसलमान परेशान हैं उनके लिए दुआएं करना, और जहां जहां मुसलमान परेशान हैं अगर हम उनके लिए कोई माली मदद कर सकते हैं, जैसे आजकल फ़लस्तीन के लिए ये दारुल उलूम कराची वाले भी जो है वो पैसे जमा कर रहे हैं अतियात, और बैतुस्सलाम कराची का एक बड़ा इदारा है वो भी कर रहे हैं, और भी कई लोग होंगे, तो मुस्तनद लोगों को हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं ना। एक और चीज़ वो बड़ी मुश्किल है, हम क्या करें, हम खाने पीने में ज़रा सादगी पर आ जाएं, इन चटखारों को छोड़ दें, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की चीज़ों को ज़रा ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता निकालें अपनी ज़िंदगियों से, ज़रा ज़ुबान के चटखारे छोड़ने पड़ेंगे। हमें तो हर खाने के साथ कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए होता है, उसके बगैर हमारी रोटी हज़म नहीं होती। तो भैया मालूम नहीं कितना वक्त है, तो हम अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को लेकर आएँ, सादगी को लेकर आएँ, और अल्लाह से मांगते रहें, या अल्लाह अगर उनका ज़हूर हमारी ज़िंदगियों में है तो फिर उनकी मईत में शहादत अता फरमा, और अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो या अल्लाह हमें उनसे मोहब्बत करने वालों में लिखता है। और ये फ़िक्र सिर्फ अपनी ज़ात तक ना महदूद रखें, अपनी औलादों को भी पहुँचाएँ, अपनी औलादों को भी ये अकीदा, ये नज़रिया, ये सोच, ये मोहब्बत, ये ताल्लुक़ उनको भी दें। हमारी औलाद की तरबियत हम नहीं कर रहे, इंटरनेट कर रहा है। माँ बाप और औलाद आपस में इतना करीब नहीं है जितना औलादों के इंटरनेट ज़्यादा करीब है। तो अपनी नस्लों के लिए भी हम फ़िक्रमंद हों। क्या क्या यह चाहते हैं कि हम तो जन्नत में पहुंच जाएं, नस्लें जिधर जाती हैं जाएं। तो अपनी नस्लों को भी मसाजिद में, मदारिस में, खानकाहों में, तबलीगी मराकज़ में, नेक सोहबत में, उलमा के पास लाएँ, उनकी दीनी तालीम का, दीनी तरबियत का, घर में दीनी माहौल का हम सिलसिला शुरू करें। वो तो इतनी मेहनतें कर रहे हैं इस किताब को पढ़ के, अगर यकीन बंदे का कमज़ोर हो ना तो हो सकता है बंदा कहे कि भाई अब तो बस मुसलमानों के बाद तबाही के सिवा कुछ नहीं, मायूस हो सकता है, लेकिन मुसलमान के लिए मायूसी कभी भी नहीं है, मायूसी की कोई बात नहीं है। हाँ, दीन पर अमल करने की बात है, दीनदारों से जुड़ने की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों की सही समझ आता फरमाए। अगर हमने अपनी औलादों की फ़िक्र न की तो मुझे महसूस ही होता है कि आगे आने वाले वक्तों में हमारी औलादें बजाय कुरान के गीता और रामायण ना पढ़ रही हों, अब्बा की याद आ जाएगी, चलो भाई 10 कैंडल लाइट जला दो, आज अब्बा याद आ गए। किसी दिन ज़्यादा अब्बा की याद आ जाएगी, आज 10 के बजाय 40 कैंडल लाइटें जला दो जी, आज ज़्यादा याद आ गई। या फिर कभी याद आ गई अम्मा की, अच्छा भाई चलो 1 मिनट के लिए ज़रा खामोश हो जाओ भाई, अम्मा की याद मना लो। ज़्यादा याद आ गई भाई, 2 मिनट के लिए खामोश हो। ज़्यादा खामोश तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, उसको भी तो बिलाखिर हमें वक्त देना है ना। तो अब ये तो नहीं कि बस माँ बाप की याद में 2 मिनट 5 मिनट चुप ही बैठे रहो, इंटरनेट को छोड़ दो। तो हालात बहुत ख़राबी की तरफ हैं, अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।